हेलो दोस्तों, मैं हूँ मोमी और स्वागत है आप सबका मोमी एंड किचन में। तो आज का रेसिपी है पनीर पराठा। मैंने ये थोड़ा सा अलग ढंग से बनाया है, तो प्लीज़ आप पूरी रेसिपी देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखिए, ये मल्टीग्रेन आटा है, आप चाहे तो नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा पाउडर चीनी और थोड़ा सा नमक डाल के पहले मिक्स कर रही हूँ हाथ से। और अब इसको आटा का एक डो लगा लूँगी, तो मीडियम आटा का डो लगाना है, ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो आटा का डो तैयार है, अब इसमें तेल लगा लूँगी ऊपर से, लगा के मैं ढक के थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट में छोड़ दूँगी। और यहाँ पे ये देखिए मार्केट वाला पनीर है, ये मैंने घर पे नहीं बनाया है। और इसको थोड़ा सा हाथ से मैश कर लूँगी मैं। और ये देखिए जितना सारा मसाला चाहिए सारा मैंने पहले से काट कर तैयार कर दिया है। और कढ़ाई में तेल डाल के और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल के और साथ में ये लहसुन अदरक हरी मिर्ची डाल के इसको थोड़ा देर के लिए फ्राई करना है। और फिर इसमें प्याज मैं डाल रही हूँ और प्याज को भी हल्का सा लाल करना है। और अब मैं पनीर डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और हल्के आंच में ये सब फ्राई करना है, आंच को ज़्यादा तेज नहीं करना है। और ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब इसमें धनिया पत्ता और कसूरी मेथी डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और ये देखिए डो भी यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो हमें यहाँ पे जितना पराठा चाहिए उतना मैं बॉल्स बना लूँगी। और देखिए ये बॉल्स को इसे हाथों से चिपटा करके इसके अंदर में ये पनीर वाला मसाला डालना है। तो इसमें जितना ज़्यादा पनीर का मसाला डालेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, तो कोशिश कीजिए कि इसमें ज़्यादा मसाला डालने की। और फिर इसको हल्के हाथों से चारों तरफ घुमा घुमा के अच्छी तरह से बेलना है, ताकि अंदर का मसाला जो है चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाए। और ये देखिए ये तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से मैं सारे पराठा को बना लूँगी। और ये देखिए ये भी तैयार हो गया है। और अब इसको सेकना है, तो इसको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसे बटर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए तैयार हो चुका है सारा पराठा। और मैं क्या बताऊँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय दोस्तों।